स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन आज हम कैशे मेमोरी इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कैशे मेमोरी को कंप्यूटर में कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है उसकी किस तरीके से एक्सेसिंग की जाती है और क्या इफ़ेक्ट होता है कैशे मेमोरी का हमारे सीपीयू की स्पीड पे और मेन मेमोरी की फंक्शनिंग पे नाउ स्टूडेंट्स कैशे मेमोरी है क्या अगर हम बात करें कैशे मेमोरी की तो इट इज़ ए स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी हाई स्पीड इसकी स्पीड क्या होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और हम कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड टू स्पीड अप एंड सिंक्रोनाइज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ़ सी पी यू देखिए सी पी यू की एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए कैसे मेमोरी का यूज़ किया जाता है हम कह सकते हैं कि सी पी यू जो होता है वो कैशे मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है सबसे पहले जो मेमोरी एक्सेस होती है वो हमारी सी पी यू इनसाइड रजिस्टर मेमोरी होती है और रजिस्टर मेमोरी का ही जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हम कैशे मेमोरी में करते हैं कैशे मेमोरी के डिफ़रेंट डिफरेंट लेबल्स होते हैं वो आप आगे जाके स्टडी करेंगे नाउ स्टूडेंट्स कैशे मेमोरी जो होती है वो हमारी कॉस्टली मेमोरी है बहुत ही कॉस्टली आती है इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी और डिस्क मेमोरी बट ये इकोनॉमिकल होती है सी पी रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग क्योंकि सी पी के रजिस्टर्स होते हैं रजिस्टर्स जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट एलिमेंट होता है मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ तो इट मीन्स रजिस्टर्स आर मोर कॉस्टली दैन कैशे मेमोरी नाउ स्टूडेंट्स कैशे मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी ये हमारी बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है और ये एक बफर की तरह काम करती है रैम और सी पी यू के बीच में रैम जो है वो हमारी मेन मेमोरी है सी पी यू और मेन मेमोरी का हमेशा इंट्रेक्शंस होता रहता है अब ये बफर क्यों बनाया गया देखिए बहुत सारा डाटा बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है तो उस डाटा को कहीं ना कहीं हमें टेम्प्रेरी स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं बीच में कैशे मेमोरी लगा देते हैं और इस कैशे मेमोरी में वो डाटा आता है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपका सी यूज़ कर रहा होता है अगर हम उस डाटा को मेन मेमोरी में रखेंगे तो होगा क्या कि सी का थ्रूपुट जो होगा वो कम हो जाएगा, मैक्सिमम थ्रूपुट हमें नहीं मिल पाएगा सी को मेन मेमोरी से इंट्रैक्शन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू कैशे मेमोरी नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी कैशे मेमोरी होती है वो होल्ड करती है ऐसे डाटा को जो कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा होता है या फिर ऐसी इंस्ट्रक्शंस को जिनका यूज़ प्रोग्रामिंग में आप बार बार करते हैं आपने देखा होगा कि प्रोग्रामिंग में हम लूप्स को क्रिएट करते हैं तो लूप्स क्या होते हैं एक कंडीशन के अकॉर्डिंग एक जगह पे रिवॉल्व करते रहते हैं जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तक लूप चलते हैं और जैसे वो कंडीशन फॉल्स होती है आप लूप से बाहर आ जाते हैं सो वी कैन से डैट इट होल्ड द डाटा So एंड इंस्ट्रक्शंस डाटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड सो डैट दे आर इमीडिएटली एवेलेबल टू द सी पी यू वैन नीडिड इट मीन्स कि ऐसा डाटा जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम कैशे मेमोरी में सेव करते हैं क्योंकि सी पी यू को ऐसे डाटा की बार बार रिक्वायरमेंट होती है नाओ नाओ स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कैशे मेमोरी होती है वो जो हमारा एवरेज एक्सेस टाइम है डाटा को एक्सेस करना है मेन मेमोरी को उसको रिड्यूस करने के काम में आती है जिससे हमें एडवांटेज क्या मिलता है कि यहाँ पर सीपीयू का जो थ्रूपुट होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है देखिए थ्रूपुट बेसिकली है क्या कि सीपीयू कितनी इंस्ट्रक्शंस को एक बार में एग्जीक्यूट कर रहा है कितनी देर में आपके पास में आउटपुट आ रहा है आपने इनपुट सबमिट किया आपके पास आउटपुट टू मिली सेकेंड में आ रहा है एक आउटपुट आपके पास में वन मिली सेकेंड में आ रहा है तो इट मीन्स जो वन मिली सेकेंड में आंसर आ रहा है वहाँ पे हमें थ्रूपुट जल्दी मिल रहा है आउटपुट मुझे जल्दी मिल रहा है नाउ स्टूडेंट्स कैशे मेमोरी जो होती है वो आपकी स्मॉलर होती है और फास्टर मेमोरी होती है जिसके इनसाइड ऐसे डाटा की कॉपीज़ को स्टोर किया जाता है जो कि फ़्रिक्वेंटली एक्सेस हो रही होती हैं और जिनका मेन मेमोरी लोकेशन से कुछ भी लेना देना नहीं होता है मेन मेमोरी लोकेशंस और कैश कैसे मेमोरी की जो लोकेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं नाउ स्टूडेंट्स देयर आर वेरियस डिफरेंट इंडिपेंडेंट कैशे इन सीपीयू सीपीयू के इन साइड में बहुत सारी कैशेज होती हैं और जो अपने आप में क्या हैं इंडिपेंडेंट हैं और सबकी अपनी वर्किंग क्या होती है अलग अलग होती है मेन पर्पस ये है कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को मुझे स्टोर करना है तो जितनी भी लेबल्स होते हैं उनके इनसाइड डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है बट यहाँ पर L1, L2, L3, L4 जो फ़ोर लेबल्स ऑफ कैशे होती है वहाँ पर डाटा को उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग स्टोर किया जाता है नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है देखिए सी जो है वो हमारा कैशे मेमोरी से भी डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा सी पी यू कैशे को डायरेक्टली एक्सेस करेगा इसी तरीके से सी पी यू प्राइमरी मेमोरी को भी क्या करता है डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है नाउ सी पी यू कैशे मेमोरी को एक्सेस करता है कैशे प्राइमरी मेमोरी से डील करती है और प्राइमरी मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी से डील करती है नाउ इसके डिफरेंट लेबल्स होते हैं एल वन लेवल होता है एल टू लेवल होता है एल थ्री होता है और एल फोर होता है एल वन की बात करें तो एल वन हमेशा सी पी यू के इनसाइड ही इम्प्लीमेंट किया जाता है जो एल वन मेमोरी होती है वो सी पी यू के इनसाइड होती है और ये जितनी भी मेमोरीज होती हैं एल टू एल थ्री एल फोर ये सी पी यू आउटसाइड होती हैं नाउ स्टूडेंट्स देखिए अब हम देखते हैं कैसे सीपी की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करती है देखिए जब भी प्रोसेसर रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा मेन मेमोरी की लोकेशंस पे हमेशा मेन मेमोरी में दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं या तो वहाँ पर रीड ऑपरेशन हो रहा होगा या फिर वहाँ पर राइट ऑपरेशन हो रहा होगा तो सीपीयू सबसे पहले चेक करता है उसकी करस्पोंडिंग एंट्री को कि वो कैशे में अवेलेबल है या नहीं है अब यहाँ पर मेरे पास में दो ऑपरेशन आते हैं कैशे में दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं एक कैशे हिट ऑपरेशन होता है और एक आपका कैशे मिस ऑपरेशन होता है अगर मेन मेमोरी की जो एंट्री है रीड और राइट ऑपरेशन की कैशे में अगर वो फाइंड आउट होती है तो वहाँ पर कैशे हिट ऑपरेशन होता है और अगर वो फाइंड आउट नहीं होती है तो वहाँ कैश ए मिस ऑपरेशन होता है और उसके बाद में सी पी यू मेन मेमोरी को एक्सेस करता है नाउ स्टूडेंट्स सो वी कैन से डैट इफ़ द प्रोसेसर फाइंड ऐट द मेमोरी लोकेशन इज़ इन दैसे अगर प्रोसेसर को करस्पॉन्डिंग एंट्री मेन मेमोरी में कैसे मेमोरी में मिलती है तो वहाँ पर कैसे हिट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है डाटा को कैसे से रीड कर लिया जाता है नाउ स्टूडेंट इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर प्रोसेसर को कैशे के इनसाइड मेमोरी लोकेशन नहीं मिली तो वहाँ पर कैशे मिस ऑक इंटरप्ट टक्कड़ हो जाएगा और जो कैसे मिश होगा इसके बाद में कैशे क्या करेगा एक नई एंट्री को एलोकेट करेगा एक नई एंट्री परफॉर्म होगी और जो कॉपी होगी डाटा की वो मेन मेमोरी के इनसाइड उसको सर्च करेगा देन वी कैन से डेट देन द रिक्वेस्ट इज़ फुलफ़िल्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ़ द कैशे तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिक्वेस्ट फुलफ़िल होती है जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में शो किया था कि सी पहले कैशे में डाटा को सर्च करता है अगर डाटा यहाँ पे मिलता है तो कैशे हिट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया और सी ने जो भी एंट्री है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करेगा इसके बाद में अगर इसको डाटा यहाँ पर नहीं मिलता है तो एक कैसे मिस ऑपरेशन परफॉर्म होता है और कैसे डायरेक्टली क्या करता है प्राइमरी मेमोरी से इंट्रैक्शन करता है और ऑपरेशन को परफ़ॉर्म करता है नाउ स्टूडेंट्स कैशे के इनसाइड दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं एक मेरे पास में कैसे हिट ऑपरेशन है दूसरा मेरे पास में कैसे मिस ऑपरेशन है अब जो कैशे की परफॉर्मेंस है कैशे मेमोरी की जो परफॉर्मेंस है वो क्वांटिटी की टर्म में मेज़र की जाती है जिसको कि हम कहते हैं हिट रेशो हिट रेशो अब नाउ जो हमारे पास में हिट रेशो होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है हिट अपॉन हिट प्लस मीन्स इट मीन्स परफॉर्म हुए और कितनी बार आपको वहां पर रीड या राइट एंट्री ऑपरेशन परफॉर्म हुआ सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ हिट्स कितनी है और टोटल एक्सेसिस कितने हैं नाउ स्टूडेंट्स सो वी कैन से डेट द क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैशे मेमोरी इज मेजर्ड इज नोन एज हिट रेशो अब कैशे की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है कैसे आप हाइयर कैशे ब्लॉक साइज यूज़ करिए देखिए जितनी भी मेमोरी होती है आपको बताया गया है कि वो ब्लॉक्स में होती है और ब्लॉक्स जो होते हैं वो आपके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कह देते हैं सेल कह देते हैं इट मीन्स अगर आप कैशे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कैशे का जो ब्लॉक साइज होगा वो आपको थोड़ा सा बिगर रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर हाइयर एसोसिएटिविटी दिखानी पड़ेगी आप आगे जाके स्टडी करेंगे कि मैपिंग होती है तो मैपिंग में बेसिकली है क्या डाटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी में आप यहाँ पे जो मिस रेट है उसको रेड्यूस करिए और रेड्यूस मिस पेनाल्टी को रेड्यूस करिए दूसरा हम कितनी टाइम लग रहा है कैशे के डाटा को हिट करने में आप इसको भी रेड्यूस कर सकते हैं तो इस तरीके से कैशे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है नाउ स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि कैशे मेमोरी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी है और सीपीयू के इनसाइड जो कैशे का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें दो टाइप की मेमोरी आती है प्राइमरी कैशे आती है और सेकेंडरी कैशे आती है प्राइमरी कैशे जो होती है वो सीपीयू के इनसाइड उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और सेकेंडरी कैशे जिसमें डिफरेंट लेबल्स आते हैं एल टू एल थ्री एल फोर वो हमेशा कैशे सीपीयू के आउटसाइड रखे जाते हैं होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन थैंक यू वेरी मच